can't keep up with your style. I can't keep up with your style. Hello everyone, welcome back to CODERBABA. My name is Balram और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे GridView के ऊपर, जहां पे हम कर सकेंगे GridView के थ्रू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और साथ ही साथ हम यहाँ पे इमेज भी सेव कर सकेंगे। जी हाँ, हम इमेज भी सेव कर सकेंगे और ये हम सब ASP.NET पे बनाएंगे यूजिंग C#। तो चलिए सबसे पहले हमें बनाना होगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पर आप एक वेबसाइट क्रिएट करेंगे और कोई भी आप इसका कोई भी नाम दे देंगे, व्यू मिनी प्रोजेक्ट इसका नाम हम दे देते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने इसे क्रिएट कर लिया। जो हमें करना है, तो सबसे पहले आप एक फॉर्म यहाँ पे ऐड कर लो। तो ऐड न्यू आइटम पे आएंगे तो यहाँ पे आप एक हम डिफॉल्ट पेज ऐड कर लेते हैं। ओके, ये मैंने यहाँ पे एक डिफॉल्ट पेज ऐड कर लिया। जो हमारा जो पहला स्टेप है, मैं आपको बता दूं, तो हमारा पहला स्टेप है कि पहले हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो पहले आप क्या करना है, आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। उस डेटाबेस का नाम होगा डेमो और उस डेटाबेस में आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी GridView के नाम से। तो चलिए हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा क्वेरी है यहाँ पे। तो ये क्वेरी हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद हम चलेंगे अपने डेटाबेस में। तो ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं SQL सर्वर 2008। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं और क्वेरी पे चलेंगे, न्यू क्वेरी पे। यहाँ पे हमारे पास एक डेमो नाम से यहाँ पे डेटाबेस ऑलरेडी है, तो हम सिर्फ टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो क्वेरी है, तो आप देख सकते हैं क्वेरी क्या है। यहाँ पे हम जो बना रहे हैं, दिस इज क्रिएट टेबल, टेबल का नाम होगा GridView। यहाँ पे आईडी होगा जो कि प्राइमरी की होगा, साथ ही साथ उसकी आइडेंटिटी यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ये नेम होगा वेर केयर और एज होगा सैलरी होगी और उसके बाद यहाँ पर कंट्री होगा, सिटी होगा एंड फोटोग्राफ। तो इतने सारे हमें फील्ड यहाँ पे बनाने हैं। तो अब मैं इसे कर लेता हूँ क्रिएट। तो उसके बाद जैसे मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा, ये हमारा टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ओके, सो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो कहता है कि अगले स्टेप में हम यहाँ पर देखो, मैं बता दूं कि आईडी क्या है। हमारी आईडी जो है वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है, आप देख सकते हो। ठीक है, आईडी इज ऑटो इंक्रीमेंटेड एंड देन यहाँ पे अब हमें चलना है अपने जो हमारा वेब एप्लीकेशन है वहां पे, जो web.configs फाइल है वहां पे हमें कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिखना है। ओके, तो अब हमारा टेबल तो यहाँ पे बन चुका है, अब हम चलेंगे यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जब भी आप कोई वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको web.configs नाम की एक फाइल ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको मिलेगी। तो आपको इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस फाइल पे आपको कॉन्फिग्रेशन के अंदर यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिखना है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का कोड लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा कनेक्शन स्ट्रिंग एंड कनेक्शन स्ट्रिंग आपने क्लोज कर दिया। तो आपको लिखना है सबसे पहले कनेक्शन स्ट्रिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग तो हमने लिख लिया है। अब हमें क्या करना है, अब यहां पर हमें लिखना है एड, ADD एड लिखना है हमें। ओके, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इसे। ओके, तो अब मैंने यहां पे क्या लिखना है, आपको लिखना है ऐड। ऐड के बाद आपको नेम देना है, आपको अपने जो भी आप कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हो उसका नेम देना है। तो यहां पर मैंने दे दिया DB कनेक्शन। फिर यहां पर आपको लिखना है प्रोवाइडर नेम कौन है, system.data.sql client। तो SQL सर्वर हम यूज कर रहे हैं तो यहां पर इस वजह से SQL क्लाइंट लिखेंगे एंड देन यहां पर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड है। तो यहां पर डेटा सोर्स यानी कि आपके सर्वर का नाम, आपके सिस्टम का नाम एंड देन इनिशियल कैटलॉग का मतलब यहां पर आपके डेटाबेस का नाम एंड देन इंटीग्रिटी सिक्योरिटी आपको ट्रू कर देनी है। ओके, अब यहां पर हमारा जो ये कनेक्शन स्ट्रिंग का जो कोड था ये बिल्कुल तरह से यहां पे बन चुका है। और अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3, अब स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, जो हमने डिफॉल्ट पेज लिया है उस पेज पे हमें एक GridView कंट्रोल लेना है और फिर उस कंट्रोल को कस्टमाइज करना है। और जो उसका कोड होगा मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से GridView के कस्टमाइज का कोड आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं डिफॉल्ट में आ जाते हैं और यहां पर हम लेते हैं एक GridView। तो GridView के लिए चलेंगे टूल बॉक्स में और यहां से हम एक GridView आपको मिलेगा, ये डेटा सेक्शन के अंदर यहां पर आएंगे एंड डेटा GridView, ये रहा आपका GridView, आपको इसे ले लेना है। तो जो कोड है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं और फिर वो कोड मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे कॉपी कर सकते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं कि मैंने लिया है GridView और इस GridView को मैंने किया है कस्टमाइज। तो आप चाहो तो ये पूरा कोड एज ए दिस जैसे आपको दिख रहा है वैसे आप इसे कॉपी पेस्ट कर दो, सिंपली ये क्रिएट हो जाएगा। और या फिर आप इसे कर सकते हैं ग्राफिकल के थ्रू कर सकते हैं या बाय कोड, आप इसे जो कोड आप देख रहे हैं ये सब टैग लिख के भी कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं आपको डिजाइन दिखाऊं तो आपको ये कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिजाइनिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर मैं टॉप पे चलूं, ऊपर मैं आपको दिखाता हूं, तो आपको सबसे ऊपर आपको यहां पे मिलेगा दिस इज द आईडी
नेम, एज, सैलरी, तो जितने भी डेटाबेस में कॉलम थे वो वहां पे मैंने इसे यहाँ पे, अब मैं क्या कर रहा हूँ ग्रिड व्यू को, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ अपने हिसाब से यहाँ पे ग्रिड व्यू को मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इस तरफ आपको फोटो दिखेगी, इस तरफ आपको आईडी होगा, तो एक एक करके सबकी आईडी यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे नेम दिखेगा, यहाँ पे एज आएगा, यहाँ पे सैलरी आएगी, यहाँ पे कंट्री आएगा, यहाँ पे सिटी आएगा। और उसके बाद साइड में आपको, राइट हैंड साइड में आपको दो बटन मिलेंगे, एक होगा एडिट के लिए और एक होगा डिलीट के लिए, तो यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे जब आएंगे तो नीचे आपको एक और बटन मिलेगा कि आपको न्यू रिकॉर्ड अगर ऐड करना है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सारी की सारी जो कोडिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई दिक्कत हो तो आप सिंपली क्या करना है, आपको ग्रिड व्यू को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन आप इसे ग्राफिक्स के ग्राफिकल जीयूआई बेस भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप जाएंगे, आपको यहां पे सारी चीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है, पेजिंग हुआ, फॉल्स, ऑटो जनरेटेड कॉलम्स फॉल्स कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो जितनी भी चीजें यहाँ आप देखा, सेल्फ एडिंग फोर किया हुआ है, तो जितनी भी चीजें सब आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको मिल जाएंगी, आप वहां से भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है। तो अब हमारा जो चौथा स्टेप है, यहाँ पे हमें एक क्लास फाइल यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो अपने प्रोजेक्ट पे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू आइटम पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है क्लास और इसका यहाँ पे आपको इसका एक नाम दे देना है। तो यहाँ पर जो हम इसका नाम देंगे वो हम देंगे तो इसका नाम हम देंगे ग्लोबल क्लास डॉट सीएस। तो सीएस तो इसका एक्सटेंशन है, यानी क्लास फाइल है, और ये उसका नाम दे दिया ग्लोबल क्लास और इसको आपको कर देना है ऐड। ऐड पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूछेगा आपसे यस, जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक फोल्डर बन जाएगा ऐप अंडरस्पेस कोड के नाम से और इसके अंदर एक ग्लोबल डॉट सीएस नाम से एक फाइल आ जाएगी। अब ये जो ग्लोबल फाइल आप देख रहे हो, ये फाइल इस पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आप इंक्लूड करोगे सबके साथ इजिली इंटरेक्ट करेगी, कम्युनिकेट करेगी। तो यहां पर हम आ गए हैं, अब इस फाइल को हमें करना है थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। यहां पर आप जो सारी चीजें देख रहे हो, ये सारी चीजें आप देख रहे हो, और इसको मैं अपने तो आपको इसे इस तरह से कुछ बना लेना है और इसे आप सेव कर लो। तो इसमें ये पर्टिकुलर कोड आपको लिख देने हैं और फिर हमने इसे सेव कर लिया है और उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट जो हमारा कोड है उसकी तरफ। तो अब आगे चलते हैं, जो हमारा जो पांचवा स्टेप है वो कहता है कि अब हमें एक हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। उस फोल्डर का नाम क्या होगा, इमेज नाम से होगा, तो ये नेम होगा उस फोल्डर का, क्योंकि जब बंदा कोई भी अपनी फोटो सेलेक्ट करेगा तो फोटो तो कहीं सेव होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आते हैं, एक हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इस फोल्डर का नाम हम दे देते हैं इमेज। तो यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया इमेज के नाम से, तो सारी जो इमेज होगी वो यहीं पर जाएगी इस फोल्डर में। अब हमें यहाँ पे सी शार्प का कोड लिखना है, तो उस कोड हम कैसे लिखेंगे, तो चलिए वो करते हैं। सबसे पहले आपको हम चलते हैं इसके पेज के लोड इवेंट पे, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, व्यू इन कोड पे आना है, तो यहां पर आपको नेम स्पेस ऐड करने हैं। तो यहां पर मैंने कुछ नेम स्पेस ऐड कर दिए हैं, पांच नेम स्पेस आपको देख रहे होंगे, तो यहां पर पांच नेम स्पेस हमें ऐड करने हैं और उसके बाद हम पेज के लोड इवेंट पे आ जाते हैं। तो दिस इज पेज का लोड इवेंट, तो पेज के लोड इवेंट के बाहर हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। तो यहां पर हम एक मेथड बनाएंगे और उस मेथड का जो नाम होगा वो होगा फिल ग्रिड व्यू, नाम से हमने एक मेथड बना लिया है। हम क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रिड व्यू, तो एक चीज देख लीजिएगा ग्रिड व्यू, तो ग्रिड व्यू इज इट मीन्स कि मैंने जो टेबल बनाया हुआ है यहां पर हम आते हैं, इसे हम करते हैं रिफ्रेश एक बार। ओके रिफ्रेश, तो यहां पर जो मैंने टेबल बनाया हुआ है उसका नाम है कैपिटल जी, ठीक है। तो यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, दिस इज द ग्रिड व्यू। ओके, तो ये हम कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम वही नाम पेस्ट कर देंगे ग्रिड व्यू एंड देन ओके। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहां पर आपको फिर वो हम जो भी सारा जो भी चीज हमारी उसके बाद ये कोड जब रन करेगा फिर जो भी डेटाबेस में वैल्यू होगी वो आके आपके ग्रिड व्यू में शो हो जाएगी एंड देन उसके बाद आपको यहां पे कैच मैंने लिख दिया है रिस्पॉन्स से कि यूजर को एक मैसेज मिल जाएगा अगर कोई एरर आता है तो कैच। तो यहां पर हम ऐसे लिखेंगे इफ पेज इज नॉट पोस्ट बैक देन हम फिल्ड ग्रिड व्यू मेथड को हम कॉल कर लेंगे यहां पे। ओके तो हम आ जाते हैं यहां पे जैसे तुम्हारी ग्रिड व्यू और उसके बाद हम चलेंगे इवेंट में चलेंगे, यहां पर आपको मिलेगा एडिट रिकॉर्ड नाम से, ठीक है। एडिट रिकॉर्ड पे आप करेंगे डबल क्लिक तो यहां पर आपका एडिट रिकॉर्ड नाम का मेथड यहां पे बन जाएगा एंड यहां पर आपको जो कोड लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है एंड देन हम चलेंगे अपने ग्रिड व्यू में, यहां पर आएंगे तो आपको यहां पे मिलेगा एक कैंसिल रिकॉर्ड करके,
दिस इज द कैंसिल रिकॉर्ड। तो आपको यहां पे इस इवेंट पे डबल क्लिक करना है, तो इसका यहां पे मेथड बन के आ जाएगा। फिर यहां पर आपको सिर्फ दो लाइन का कोड लिखना है। ओके तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम होगा एड न्यू रिकॉर्ड। तो आपको इस पर डबल क्लिक करना है, तो एड न्यू रिकॉर्ड नाम से एक इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहां पर आपको रिकॉर्ड को एड करना है, तो उसके लिए आपको इस तरह से कोड यहां पे लिखने हैं। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर हम यहां पे लिख देंगे ग्रिड व्यू माइनस वन एंड इज इक्वल टू ट्रू, इल्स में आएंगे ग्रिड व्यू इक्वल शो फुटर। फिर यहां पे हम इस तरह की चीज यहां पे शो कर देंगे। तो ये सारा कोड जो आप देख रहे हो, ये आपको एड न्यू रिकॉर्ड के क्लिक इवेंट पे आपको यहां पे लिखना है। और यहां पर हम चलेंगे ग्रिड व्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आपको मिलेगा एक अनदर इवेंट जो होगा, देख लेते हैं कहां गया। अब हम चलते हैं यहां पे, यहां पर हमें एक मेथड क्रिएट करना है, तो हम वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे आप इसे ऐसे कर लो एंड देन यहां पर हमें एक मेथड क्रिएट करना है। उस मेथड का नाम होगा एड न्यू कैंसिल। ओके तो जो नया रिकॉर्ड हमें बनाना है उसे कैंसिल करना है, तो इस तरह से हम एक मेथड बना लेंगे एंड देन आफ्टर। अब उसके बाद एक और हम यहां पे मेथड क्रिएट करेंगे और उस मेथड का नाम होगा इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड। ठीक है, इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड इस मेथड को हम क्रिएट करेंगे यहां पे। और ये मेथड आपको इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड यहां पे फिर आपको इस तरह से पूरा का पूरा कोड लिख देना है। और जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में जो भी सारी वैल्यू आपने इंटर किया होगा वो सब कुछ जाके डेटाबेस में सेव हो जाएगा, और जो इमेज होगा वो जाके इमेज वाले फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर हम आएंगे इवेंट सेक्शन में, यहां पर आपको मिलेगा अपडेट रिकॉर्ड पे डबल क्लिक करेंगे और यहां पर आपको फिर से कुछ कोड लिखने हैं इसे अपडेट करने के लिए। ओके इवेंट में आएंगे, यहां पर आपको मिलेगा रो डिलीटिंग नाम का इवेंट, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहां पर हम जब हम रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वो कोड हम यहां पे इस तरह से लिख देंगे यहां पे। और इसके बाद यहां पर आपको मिलेगा ग्रिड व्यू सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ओके यहां पे कोई कोड नहीं निकला, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से हम इसे जो भी कोड है इसका यहां पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा स्टार्टिंग से। तो यहां पे पेज के लोड इवेंट पे हमने ये कोड कर रखा है, ये मेथड कॉल होगा, फिर ये मेथड मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है। और उसके बाद फिर यहां पर एक एडिट रिकॉर्ड नाम से एक मेथड होगा एंड देन एक कैंसिल रिकॉर्ड नाम से एक मेथड होगा, फिर उसके बाद एड न्यू रिकॉर्ड नाम से एक मेथड होगा, उसमें पूरा हमें ये पूरा कोड लिखना है और ये सारा चीज। फिर इंसर्ट न्यू रिकॉर्ड नाम से एक मेथड होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं अपडेट रिकॉर्ड नाम से एक मेथड, इसमें पूरा का पूरा ये सब कोड, फिर रो डिलीटिंग एंड देन यहां पर उसके बाद रो डिलीटिंग लास्ट। ओके तो अभी हम इसे कर लेते हैं सेव। अब इसे सेव करने के बाद अब हम इसे एक बार रन करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने डिफॉल्ट पेज पे, इसको मैंने कर लिया है सेव। अब यहां पे करेंगे राइट क्लिक और इसको हम करते हैं व्यू इन ब्राउजर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रन होके यहां पर आपके सामने पूरा आउटपुट दिखाई दे रहा है। बट अभी क्या था, अभी मैं जो मेरा डेटाबेस है, जो मेरा टेबल है, उस टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। तो यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, नो रिकॉर्ड अवेलेबल, कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें नया रिकॉर्ड ऐड करना है। तो यहां पे कहां पे क्लिक करेंगे, ये जो आप बटन देख रहे हैं ऐड न्यू रिकॉर्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहां पे सारे एक टेक्स्ट बॉक्स बन के आ जाएंगे और यहां पर आपको मिलेगा एक इंसर्ट और एक कैंसिल नाम का दो बटन मिल जाएंगे। ओके तो यहां पर आपको पहले नेम इंटर करना है, तो नेम में यहां पर दे देता हूं, तो यहां पर मैं अपने चैनल का नाम दे देता हूं, एज दे देता हूं मैं यहां पर, उसके बाद सैलरी दे देते हैं, सैलरी फिलहाल कोई नहीं है तो चलो, एंड उसके बाद कंट्री दे देते हैं, सिटी दे देते हैं, और यहां पर हमें सेलेक्ट करना है एक फोटो, तो इस पर आपको क्लिक करना है सेलेक्ट फोटो और हम अपने पिक्चर वाले फोल्डर से यहां से एक हम फोटो ले लेते हैं। तो ये मैंने एक फोटो ले लिया यहां पे, और अब जैसे मैं यहां पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा ये रिकॉर्ड आप देख सकते हैं यहां पे सेव हो चुका है। तो फिर से आपको रिकॉर्ड सेव करनी है तो आप फिर से आपको ऐड पे क्लिक करना है और इस बार आपको यहां पे नाम देना है राहुल 22 और यहां पे दे देना है आपको कुछ दिल्ली, और यहां से हम एक इमेज ले लेते हैं। तो ये मैंने एक इमेज लिया और मैंने यहां पे इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, तो यहां पे दो रिकॉर्ड आपको यहां पे देखने को मिल रहे हैं। ओके अब अगर इनमें से किसी को हमें एडिट करना है तो हम यहां एडिट पे क्लिक करेंगे, तो इसके नाम को हम थोड़ा सा कैपिटल कर देते हैं, तो मैंने कर दिया राहुल एंड कुमार भी इसमें ऐड कर देते हैं,
और उसके बाद एज भी 20 कर दिया, बाकी सब कुछ सही है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने नाम इसका अपडेट कर दिया, ठीक है, एज हमने अपडेट कर दिया। इस तरह से आप इसमें और भी मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये सारी की सारी जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में जाकर सेव हो रही हैं। तो पहले तो मैं प्रोजेक्ट में चलता हूँ, पहले मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि फोल्डर में वो इमेज आ रही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं दो इमेज यहाँ पर आपके फोल्डर में ये आ रही है। और अब अगर हम डेटाबेस में चले तो डेटाबेस में आ जाते हैं और यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं अपना जो क्वेरी है और ये हम इसे करते हैं रन। तो यहाँ पर आपको देखो दो रिकॉर्ड आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये वैल्यू इंसर्ट हो जा रही है डेटाबेस में और ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है और ये आपके सामने है भी। तो अगर इसे मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, तो अब क्या है, इनिशियली यहाँ पे दो रिकॉर्ड अवेलेबल हैं जिस वजह से ये दो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया, आर यू श्योर, यस, मैंने कहा हाँ डिलीट करना है, आर यू श्योर, मैंने कहा यस मुझे डिलीट करना है। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि नो रिकॉर्ड अवेलेबल। तो गाइज ये था मेरा छोटा सा एक वीडियो जिसमें मैंने बताया कि आप ग्रिड व्यू के साथ कैसे इंसर्ट अपडेट डिलीट कर सकते हैं। तो यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो और यार एक कमेंट तो बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।